दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक लव राशि फल दिसंबर 2022। दिसंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों दिसंबर का लव राशि फल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों दिसंबर के महीने में 6 परिवर्तन होने वाले हैं, ग्रह गोचर में 6 परिवर्तन 3 ग्रहों के, बुध का परिवर्तन 3 बार, शुक्र का परिवर्तन 2 बार और सूर्य का परिवर्तन 1 बार, ऐसे करके 6 परिवर्तन है। और निश्चित रूप से ये 6 के 6 परिवर्तन आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप में बहुत बड़े परिवर्तन करने वाले हैं। एक परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, ये समझ लीजिए कि उसे और गहराई कुछ ग्रह की स्थितियां नक्षत्र परिवर्तन से और ज़्यादा देने वाली हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या गहराई है, क्या स्थितियाँ बदलने वाली हैं, पूरा विश्लेषण जानेंगे और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि अगर आपकी 3 राशियों के नाम बताते हैं, अगर आपकी उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना लकी बन जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिंगल है उनकी, उसके बाद में लव लाइफ की, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, मैरिड लाइफ की, एक्स्ट्रा अफेयर की और वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं 3 राशियों के नाम। उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना लकी बन जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रह गोचर की स्थितियां। 2 दिसंबर को धनु में बुध का प्रवेश होगा, दोबारा 27 दिसंबर को मकर में बुध जाएंगे, फिर तीसरा परिवर्तन फिर करेंगे 30 दिसंबर को धनु में वापस आ जाएंगे बुध, 5 दिसंबर को धनु में शुक्र जाएंगे, 28 दिसंबर को मकर में शुक्र जाएंगे, ये 2 परिवर्तन शुक्र के हैं, और 16 दिसंबर को धनु में सूर्य जाएंगे। तो ऐसे करके ये 6 परिवर्तन है। तो आइए जानते हैं आपके लिए वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए रिश्ता क्या कहता है आपका। अगर आप सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल हैं, उनकी अगर बात करें हम तो आपके लिए, आपके द्वितीयेश जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए द्वितीयेश बृहस्पति कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। बृहस्पति बैठे हैं जाकर के मीन राशि में, अपनी राशि में, ये अच्छी बात है। यानी कि आपकी वाणी तो वैसे भी प्रभावशाली है, आपकी बातें ही इतनी पॉजिटिव हैं कि कोई भी आपसे प्रभावित हो जाए। आप इतनी दुख तकलीफ झेलने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ें झेलने के बावजूद भी इतना पॉजिटिव रहते हैं, ये आपकी ताकत है। और इससे बड़ी या इससे अच्छी स्थिति आपकी लाइफ में और कुछ नहीं। यह आपके अंदर जो पॉजिटिव फीलिंग है, इतना दुख सहन करने के बाद में भी मुस्कुराना, इससे लोग अपने आप प्रभावित हो जाते हैं। तो आपको ये कहें कि कोई आपसे इंप्रेस नहीं होगा तो ये आपके लिए ही गलत होगा। ये तो आपके लिए अभी वर्तमान में बृहस्पति ने आपको सदाबहार कर रखा है, तो ये तो निश्चित है कि आपसे कोई भी इंप्रेस हो जाएगा। लेकिन यहां पर इंप्रेस होना या ना होना इतना ही नहीं, बल्कि आगे आप उसके साथ में क्या चाहते हैं। अगर आप उससे शादी करना चाहते हैं, उसके साथ में आपकी दोस्ती, निश्चित रूप से दोस्ती आराम से हो चुकी है, और अगर दोस्ती नहीं हुई है तो हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप उसके साथ में शादी करना चाहते हैं तो शादी के लिए आपसे मना कर देगा वो व्यक्ति, और अगर वो मना नहीं करता है तो आपको मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति झूठ बोलेगा। अगर वो मना नहीं करता है तो वो झूठ बोलेगा। अगर वो आपको कन्फ्यूजन में कोई ऐसा निर्णय दे देता है कि ठीक है देखेंगे शादी को लेकर, तो भी मना ही समझिए, क्योंकि वो व्यक्ति शादी करना ही नहीं चाहेगा। अगर वो झूठ बोल देता कि हाँ ठीक है शादी करेंगे, तो वो उसका सबसे बड़ा फ्रॉडपन होगा, ये तो सबसे पहली बात। तो अफेयर के लिए, क्योंकि शुक्र वहाँ बैठे हैं, धनु में शुक्र ज़्यादातर पूरे महीने की स्थिति ही दिखा रही है, क्योंकि 5 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक जैसे शुक्र रहेंगे तो इस बीच में अफेयर की स्थितियाँ ही बनती हैं और वो व्यक्ति अफेयर के लिए ही तैयार होगा। तो आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि आगे चल करके हो सकता है वो शादी के लेकर के सोचने लगे, तो आगे की तो देखो आगे देखा जाएगा, क्योंकि पर्सनल कुंडली उसके लिए इन्वॉल्व होती है। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ यही दिखा रही हैं कि वो व्यक्ति, क्योंकि जो नींव होती है ना मकान की,
या रिश्ते की जो नींव होती है, शुरुआत होती है, और वो जिस समय में होती है वो समय बहुत प्रभावित करता है। अगर आपको आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे समय में प्रपोज किया होगा, जैसे राहु काल होता है, क्यों कहते हैं ऐसे कि राहु काल में प्रपोज ना करना, या राहु काल में ऐसा शुभ कार्य ना करना, अच्छा कार्य ना करना, कोई नया शुरुआत क्यों ना करना? क्योंकि राहु नए कार्य में, पॉजिटिव कार्य में विघ्न डालता है, वो शुरू से ही विघ्न डल जाता है। इसलिए यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए, राहु यहाँ पर स्थितियाँ नहीं खराब कर रहा है, यहाँ स्थितियाँ खराब कर रहा है शुक्र। शुक्र यही दर्शा रहा है कि आपको अफेयर में ही संतुष्टि मिल सकती है, अफेयर तक ही सीमित है, मतलब सामने वाला व्यक्ति आपको यही यहाँ तक ही सीमित रखना चाहेगा। तो ये स्थिति आपके लिए। अगर बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ में ये पूरा महीना बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। पार्टनर काफ़ी सकारात्मक बातें करेगा, बहुत ज़्यादा प्यार भरी बातें करेगा और आपसे सच्ची बातें करेगा। शादी को लेकर के बातचीत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन शादी को लेकर के जब बातचीत हो तो उसमें देखो एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि जैसे मंगल ना परिवर्तन किया था, अब मंगल अभी बकरी चल रहे हैं और वृषभ में, तो ये समय तो हो गया है, अब इसमें गहराई ये होगी कि मंगल जैसे कि जिस तरीके से परिवर्तन, यानी कि जो व्यक्ति आपसे अफेयर में रहने के लिए तैयार हो गया था, जो व्यक्ति ये कहने लगा था ठीक है शादी को एक तरफ करके उसने ये कह दिया था अब हम अफेयर में रह लेंगे, अब वो व्यक्ति फिर से, मतलब आपका पार्टनर फिर से कहने लगेगा कि अफेयर नहीं, शादी ही करनी है और तुमसे ही करनी है, तो शादी के पीछे पड़ जाएगा। जो व्यक्ति कभी शादी करना ही ना चाहता था, शादी के लिए एक तरह से अफेयर में रहने के लिए तैयार हो गया था, जीवन भर आपके साथ में एक्स्ट्रा अफेयर में रहना चाहता था, ऐसा व्यक्ति शादी के पीछे पड़ जाएगा। बड़ा आश्चर्य होगा आपको, लेकिन बृहस्पति ये करवाएंगे और मंगल वक्री होकर के बैठे हैं तो ये करवाएंगे ही करवाएंगे। और अगर आप ब्रेकअप हुआ था आपका कुछ समय पहले और नया पार्टनर मिल गया है, तो वहां पर और बड़ी विडंबना, बड़ी बुरी स्थिति फंसने वाली है, क्योंकि इस व्यक्ति को जो अभी वर्तमान में उसे अफेयर में पहले इंटरेस्टेड हो गया था और दूसरा चला गया था, जो एक्स पार्टनर वो चला गया था छोड़ करके, दूर हो गया था, अब वो फिर से पीछे पड़ जाएगा आकर के, एक्स पार्टनर फिर से पीछे पड़ जाएगा और वो शादी का ऑफर करने लगे। और क्योंकि आपका इमोशनल व्यवहार अभी वर्तमान पार्टनर के साथ में ज़्यादा है, क्योंकि उसे आप धोखा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो पीछे आपको छोड़ कर गया है उसके साथ में आप इमोशनल व्यवहार उतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से सोचेंगे तो उसके साथ में ज़्यादा आप खुश दिखाई देंगे, या कह सकते हैं कि ज़्यादा वहाँ पर सेफ फील कर रहे होंगे, ये ज़्यादा सिक्योर, वहाँ पर सिक्योरिटी आपको ज़्यादा दिख रही होगी। तो ये स्थिति दिख रही है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में भी जाने वाले हैं और प्रॉब्लम दोनों तरफ से आने वाली है। एक्स पार्टनर अगर था, अगर पहला ही लव है आपका तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने एक को छोड़ा और तुरंत दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट किया, वहाँ इमोशनल हो गए, तो दिक्कत होगी, बहुत बड़ी दिक्कत होगी, कन्फ्यूज भी होंगे। और पूरे महीने ही ये स्थिति है, क्योंकि मंगल आपके षष्ठेश बनते हैं और षष्ठेश का सप्तमस्थ वक्री गोचर करना यही दिखाता है कि जो थर्ड पार्टी बन गया था, जो व्यक्ति एक्स पार्टनर चला गया था, वो फिर से वापस आ जाए और ये कलेश होगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ों पर ध्यान देना है कि वो थर्ड पार्टी शादी और आपके वर्तमान पार्टनर भी शादी शादी, तो ये दोनों तरफ से आप ये समझाने में पूरा महीना आपका लग जाएगा कि तुम तो अफेयर के लिए तैयार थे तो तुम अफेयर करो, हम इससे शादी कर लेते हैं, और इससे और बड़ा कलेश हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, इस स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझ में आया तो अच्छे से समझिए, अपनी पर्सनल रीडिंग करा करके, वैसे यहाँ पर आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैरिड लाइफ की, अब यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए तो अच्छी स्थितियाँ हैं, बातचीत फिर से होगी, लेकिन कोई सीरियस बात नहीं होगी, काफ़ी मस्ती मजाक वाली बातें होंगी और इससे आपका महीना अच्छा जाएगा, बातचीत हो जाएगी, ये कह सकते हैं कि बातचीत जरूर हो जाएगी। बातचीत के लिए जो समय सबसे अच्छा रहेगा वो 16 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर के बीच का रहेगा, उस बीच में आपके पार्टनर खुद से आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपका ईगो अगर काम नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की।
तो मैरिड लाइफ में झगड़े वाद विवाद मतभेद रहेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा किसी और के साथ में अफेयर में चले जा सकते हैं, परेशान आप हो सकते हैं, और क्योंकि आपके षष्ठेश मंगल द्वितीय में मतलब वृषभ राशि में है और द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम में होकर के, और द्वितीय भाव में शुक्र रहेगा, तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि मैरिड लाइफ में लॉयल्टी की कमी रहेगी, एक्स्ट्रा अफेयर में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा, दोनों लोगों का ही रह सकता है, वैसे आपके पार्टनर का ज़्यादा दिख रहा है और आपका भी दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी एक्स पार्टनर या कोई पास्ट या वर्तमान में एक्स्ट्रा अफेयर रहे हैं, तो उनसे फिर से एक्टिवेट आपका रिश्ता फिर से एक्टिव हो जाए, स्थितियाँ खराब हैं। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा अफेयर की, तो एक्स्ट्रा अफेयर की स्थितियाँ बहुत शानदार हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब स्थितियाँ अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बातचीत लिमिट में रहे, लिमिट की करें तो सम्मान बचा रहेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में इतना फ्रैंक हो जाएंगे, इतनी बातचीत करने लगेंगे कि फिर इज्जत नहीं करेंगे एक दूसरे की जो अभी करते हैं, तो ये स्थिति है। दोस्तों यह था आपका दिसंबर का लव राशि फल। अब जानते हैं तीन राशियों के नाम, पहली राशि है वृश्चिक राशि, दूसरी राशि है कुंभ राशि और तीसरी राशि है मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए ये महीना काफ़ी लकी रहेगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।